लॉकडाउन के चलते जो बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिला क्लासेस की तरफ से एक नया निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने का कहा गया है। इसमें से हमने सबसे पहले 10th क्लास के गणित सब्जेक्ट को लिया। 10th क्लास के गणित सब्जेक्ट को समझने से पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है और कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जिसमें से जो आपका पेपर आएगा वो 3.5 घंटे का होगा, और जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, और जो स्कूल से जो सेशन भेजे जाते हैं वो 20 मार्क्स के हो जाएंगे, और जो पूरा पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। कुछ टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के, वो हमने आपको यहाँ बताए हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक है वैदिक गणित। वैदिक गणित में जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 क्वेश्चन आएंगे और वो दोनों 4 नंबर का, जिसमें से 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। संख्या पद्धति जो दूसरा टॉपिक है वो और 3 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर का होगा। बीजगणित पूरा एल्जेब्रिक जो टॉपिक है वो 12 नंबर का, जिसमें से भी इसमें 3 टॉपिक है जो 12 मार्क्स को पूरा फुलफिल करते हैं। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो 3 टॉपिक है वो 11 मार्क्स का होगा। निर्देशांक विधि 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ज्यामिति 20 मार्क्स का, इसमें से भी 4 टॉपिक हैं, तो हमें रचना है, ज्यामिति है, वर्थ है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं उसके अंदर जो आपको 20 मार्क्स का आएगा। क्षेत्रमिति 10 मार्क्स का आएगा। सांख्यिकी तथा प्रायिकता ये 10 मार्क्स का आएगा। और लास्ट टॉपिक है सड़क सुरक्षा, इसमें से एक क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का होता है। आज हमने 10th क्लास का त्रिकोणमिति अनुपात जो टॉपिक पढ़ा था, इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में।